हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ बनारस की ओर। लगभग 4 बजे निकलूँगा तो 8 बजे तक मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा और 9 बजे वहाँ से मेरी ट्रेन है। सबसे पहले बहराइच से बस पकड़ी है मैंने लखनऊ के लिए, साधारण रोडवेज बस है। 120 किलोमीटर जाना है मुझे बस से। जरवल रोड पे फाटक बंद था और बस रुक गई फाटक बंद होने की वजह से, क्योंकि ट्रेन आ रही है। ये लखनऊ से गोंडा की तरफ जाने वाली ट्रेन है। तो भैया बस वाले ने बस ढाबे पर रोक दी। ढाबे पर यात्री कुछ खावे पीवेंगे और भी बस खड़ी कई सारी। ढाबे पर यात्री कुछ खावे पीवेंगे क्योंकि मैं तो अपना खाना लेकर आया था, इसलिए मैं तो कुछ खाने का नहीं। मैं तो शाम को ट्रेन में बैठ के ही खाऊँगा अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट खाना। ये ढाबे वाला तो नहीं खाऊँगा कम से कम। और बहराइच से लखनऊ की दूरी 120 किलोमीटर की है, 4 घंटे लगते हैं। 30 का औसत आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। क्यों हमें? क्योंकि रास्ते में ढाबे पर रोकते हैं और आधा घंटा तो कम से कम रोकेंगे, या आधा घंटे से ज़्यादा भी रोक सकें। और ये हालत है होटल की, इधर है चाट पकौड़ी है वहाँ आगे और इधर खाना है। साफ़ सफाई के मामले में कुछ खास नहीं है होटल, इसलिए यहाँ तो कुछ खाना उचित भी नहीं होगा। बस हमारी चल गई है फिर से लखनऊ की तरफ और रास्ते में घाघरा नदी पड़ती है, इसी के पुल से होकर हम लोग जाते हैं लखनऊ की तरफ। और शाम के समय नज़ारा बहुत बढ़िया है, सूर्य की किरणें नदी के पानी में जो पड़ रही हैं बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन दे रही हैं, सुंदर नज़ारा लग रहा है। उस तरफ वो रेलवे लाइन का पुल है और इस तरफ जिस पुल पे हम चल रहे हैं इस पुल से बसें होकर जाती हैं, तो 2 पुल बने हैं घाघरा नदी पे। और धीरे धीरे शाम होती जा रही है, सूरज एक बड़ा सा लाल गोला दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और शाम होते होते पहुंच गया हूं लखनऊ में। अंधेरे में लाइट्स जलकर पूरे शहर में जगमग उजाला फैलाए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है शहर का नज़ारा। और 120 किलोमीटर के सफ़र में 4 घंटे लगने की पहली वजह तो थी होटल पे बस का रुकना, और दूसरी वजह है शहर में जाम लगना। लखनऊ में शाम को जाम भी बहुत लगता है, बहुत लंबी लाइन लगी है वाहनों की। देखिए धीरे धीरे निकलेगी बस यहाँ से, 4 घंटा लग जाता है पूरा 120 किलोमीटर जाने में। और लखनऊ शहर का जो शाम का नज़ारा है ना, वो दिल को बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बहुत अच्छी लगती है। तो लखनऊ की शाम इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे कई सारे पार्क हैं और लाइट्स जलती हैं, घूमने की कई सारी जगह हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शाम का नज़ारा लखनऊ का। चलिए आप लोगों को भी लखनऊ का ये नज़ारा दिखा रहा हूँ अपने कैमरा से कैद करके।
रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, लखनऊ में भी दो पड़ते हैं, एक तो LKO नाम से लखनऊ चारबाग स्टेशन पड़ता है और दूसरा LJN नाम से लखनऊ जंक्शन, जंक्शन से मेरी ट्रेन है, जंक्शन थोड़ा इधर है, इस तरफ जाना पड़ेगा। और बस से अभी अभी उतरा हूँ और बस में बैठा था पूरे 4 बजे, तो लखनऊ चारबाग बस अड्डे पर उतारा है बस ने पूरे 8 बजे, यानी 4 घंटा लगा पूरा। बहराइच से 2 बसें मिलती हैं लखनऊ को, एक केसरबाग के लिए एक चारबाग के लिए। चारबाग स्टेशन यही रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, चारबाग बस अड्डा, तो चारबाग वाली बस पकड़नी पड़ती है वहाँ से, वरना केसरबाग पकड़ेंगे तो उधर से फिर ऑटो में आना पड़ेगा, दूर पड़ेगा। और यानी कि 4 घंटे का सफ़र करके रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, अब जाके अपनी ट्रेन पकड़ूँगा। वो है उस तरफ चारबाग बस अड्डा और इस तरफ लखनऊ रेलवे स्टेशन, और ये है स्क्रीन पर जो लिखा नहीं दिखाई दे रही, वेलकम टू लखनऊ जंक्शन। ये लखनऊ जंक्शन है, यहाँ से मिलेगी ट्रेन। लखनऊ जंक्शन वाला प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, हरा भरा है, साफ सुथरा है। ट्रेन इस तरफ है, मैं पहुँचता हूँ अभी। है ट्रेन कहाँ, तो खाली जब फ्रेंड्स, ट्रेन आने में अभी थोड़ा समय है, तब मैं यहीं स्टेशन में बैठ के खाना वाना खाने का काम निपटा लेता हूँ, और ट्रेन आने के बाद अपनी सीट लेकर आराम से लेट जाऊँगा, फिर तो मैं आराम करता हुआ जाऊँगा रात भर। आगे ट्रेन अपनी, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मुझे, S4 थोड़ा पीछे है, S4 में सीट है। ट्रेन टाइम से ही आ गई, 9 बजे डिपार्चर होगी, और आ गई कितने बजे, 8:30 बजे आ गई। यहाँ ये S6 है, इसके पीछे S5 होगा, इसके पास S4 होगा, वहाँ जाना मुझे। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में अपनी सीट ले ली है मैंने, ये साइड अपर बर्थ है, स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन है मेरा, हवा नहीं लगती इसमें, बढ़िया सीट नहीं है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। और सुबह हो गई है अगले दिन की, और ट्रेन धीरे धीरे बनारस जंक्शन की तरफ पहुंच रही है अपने गंतव्य की ओर, यहीं पे उतरना है मुझको बनारस जंक्शन पे ही। लखनऊ जंक्शन, छपरा जंक्शन स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम लखनऊ जंक्शन टू छपरा जंक्शन हो जाने वाली, तो फ्रेंड्स, ये बनारस का रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना है। ट्रेन हमारी सुबह 6:05 पर पहुंच गई है। आप लोगों को भी बनारस रेलवे स्टेशन दिखा देता हूं, कितना बढ़िया लुक है इसका। बनारस की सुबह वैसे भी फेमस होती है, लेकिन सुबह यहां की नहीं, घाट वाली सुबह बहुत फेमस होती है। जैसे लखनऊ की शाम मैंने दिखाई थी आपको, चकाचौंध थी पूरी, उसी तरह बनारस की सुबह भी बहुत मन को मोह लेने वाली होती है, और वो रेलवे स्टेशन पे नहीं, वो होता है घाट पे, क्योंकि कई बार आरती होती है दिन में 4-5 बार घाट पे, और आरती का जो दृश्य होता है सुबह सुबह बनारस का घाट वाला, वो मन को बहुत ही अच्छा लगने वाला होता है। और बनारस जो है भोले बाबा काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। चलिए, काशी विश्वनाथ जी के पूजा दर्शन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ यहाँ स्क्रीन के माध्यम से। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन लगी है, लखनऊ जंक्शन से चलकर छपरा जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक